हेलो एवरीवन, आई एम खुशवंत सिंह और आज मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने अपने CSR क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ किए थे। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके खुद के नोट्स बनाना और शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका एग्जांपल मैं आपको अपना देता हूँ कि मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि मैंने 3 बार JRF क्वालिफाई किया था, तो मेरा सेकेंड JRF जो था वो मैंने सिर्फ 3 दिन के रिवीजन के साथ क्वालिफाई किया था और तीसरा JRF मेरा सिर्फ 1 दिन के रिवीजन के साथ था और इसका पूरा श्रेय मेरे शॉर्ट नोट्स को जाता है। तो अब सवाल उठता है कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मतलब बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको इसमें सिर्फ आपके फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, कोड्स होने चाहिए और जस्ट हाईलाइट्स ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले और आप कम समय पर सारे रिवाइज कर सकें। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मैंने जैसे कि ऑर्डर ऑफ स्पीशीज़ को लिखने के लिए मैंने एक कोड बनाया आई हैव FB रैम, तो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हैव को मैंने हैप कर दिया HAP। तो इसमें मैंने कैसे सोचा कि आई हैव हैवी रैम, इट्स लाइक इंसेक्ट हायर प्लांट्स एल्गी फिश बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस एंड सो ऑन, इस तरह से मैंने ऑर्डर ऑफ स्पीशी याद किया था। तो इससे काफ़ी मदद रहता है और आपको हमेशा कोड्स याद रहते हैं और कोड्स हमेशा वही यूज़ करें जो कि आप अपनी रोज़मर्रा में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते रहते हैं, जैसे FB और RAM कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो आप यूज़ करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया था। और एक दूसरा एग्जाम्पल है मेटाबॉलिक साइकिल, जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप एक समरी टेबल बनाएं जिसमें कि एक फुल रिएक्शन सबकी हो और उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो हो, उन इंपॉर्टेंट स्टेप्स के आपके सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंड कोफैक्टर इन सबको एक टेबलर फॉर्म में बना के रखें, जिससे कि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में 1st, 3rd, and 10th रिएक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उन सब रिएक्शंस की सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंड कोफैक्टर इन तीनों को एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट करें और इसी प्रकार से एक पूरी टेबल बना लें जिसमें आप जितनी भी मेटाबॉलिक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं उनके सारे क्रिटिकल स्टेप्स हों। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, जब भी आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं तो आपको अपनी नॉलेज चेक करने के लिए उसके MCQ ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज पता चलेगी कि आपने कितना सीखा और आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। और चौथी चीज़ है, आप कभी भी लैंग्वेज पर ध्यान ना दें, आप कोशिश करें कि हर प्रोसेस को इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि एंजाइम रिएक्शन को मैंने सोचने के लिए मैंने एक पैकमैन कैरेक्टर का यूज़ किया था, जैसे कि पैकमैन एक गेम होता है जिसमें पैकमैन एक कैरेक्टर है जो कि एक बॉल्स खाता है और चश्मे पहनता है, तो मैंने पैकमैन को एज अ एंजाइम सोचा और बॉल्स को मैंने एज अ सब्सट्रेट सोचा और चश्मे को एज अ कोफैक्टर सोचा। तो इस तरह से जब भी मैं कैरेक्टर को याद करता था तो मुझे एंजाइम की प्रक्रिया याद आ जाती थी कि वो कैसे काम करता है। तो और उसके बाद एक तीसरी चीज़ है कि आप अपने ऊपर कभी भी जोर ना दें कि आप सारे टॉपिक पढ़ लें, आप कोशिश करिए कि आप जब सिलेबस तक कर रहे हो तो जब एक टफ टॉपिक आए तो आप उस टफ टॉपिक को बेसिक लेवल पे पढ़ लें और उसको एक लिस्ट में डाल दें, और इस तरह से आप जब अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर ले रहे हैं तो उसके बाद जब टफ टॉपिक को एक एक करके आप कोशिश करेंगे ख़त्म करने की तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको हिंड्रेंस नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये टिप्स और ट्रिक्स आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और आपको अपनी JRF प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं इस मोटिवेशन के साथ, और मैं जल्दी ही अगला वीडियो लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।